भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। किन्नौर के निगुल सरी के पास बुधवार को पहाड़ से मलबा आने के कारण दबी HRTC की बस सतलुज के किनारे मिल गई है। इस बस की तलाश सड़क पर मलबे के नीचे हो रही थी, जहां ये नहीं मिली थी, लेकिन जिस हालत में बस टुकड़ों में मिली है उससे इसके भीतर सवारियों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है। बस में 25 से ज्यादा लोग सवार थे, जबकि अब तक केवल मलबे से एक शव बरामद हो पाया है। राहत कार्य सुबह 6 बजे शुरू हो गया था और अब तक जारी है। हमारे जिला किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग सारी गांव के नजदीक हुआ है। इसमें जो है अभी तक 13 लोगों की जो है डेड बॉडी जो है रिपोर्ट किया गया है। अभी 17 के करीब जो है लोग इसमें मलबे में दबने का आशंका है। तो इसमें अब जो बस है वो जो है सड़क से नीचे कोई 80 या ये कह सकते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा नीचे जो है दलान में जो है बस के जो है टुकड़े टुकड़े होकर वहाँ उसके अवशेष मिल रहे हैं और इसी मलबे में जो है बाकी लोगों की जो है बॉडीज भी होने का अंदेशा है। तो ये बॉडीज निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी जो है डेब्रीज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राकृतिक आपदाएँ तो जो है हमारा जिस किस्म का यहाँ पर जियोग्राफी है होते रहेंगे, परंतु डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारा है उसके ऊपर हमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। उसमें किस तरह से जो है हमें मुस्तैदी से काम करना है, ये जो है आज की सबसे बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूँ। और कल के जो हादसा हुआ है उसमें यहाँ पर मशीनरी के आने में काफ़ी विलम्ब हुआ है, इस पर भी हमें चिंतन करना है क्योंकि दोनों तरफ चाहे रामपुर की तरफ हो चाहे किन्नौर की तरफ हो बड़े मशीनों की कमी ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम चला हुआ है। अगर मुस्तैदी से ये मशीनरी आ जाती तो राहत के काम को और ज़्यादा तेज़ी मिल पाना था और काफ़ी जो है इसमें हमें जो है लोगों को जो है उसमें हम बचाने में भी कामयाब हो सकते। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो जाम लगा था जिस पॉइंट पर यह हादसा हुआ कि दो छोटे गाड़ियों का आपस में जो है वहाँ पर पासिंग के लिए कुछ वाद विवाद हुआ तो काफ़ी देर वहाँ पर जाम रहने के कारण भी जो है ये घटना जो है घटी है। क्योंकि लोग बच सकते थे अगर जब वहाँ से चट्टाने खिसक रहे थे तो भागने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपस में भिड़े हुए देखते हैं। अब इसकी पुष्टि नहीं हुई पर लोग ये कह रहे हैं। तो इसमें कि नेशनल हाईवे पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुलिस का गश्त होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में पासिंग प्लेसेस नहीं है, बरसात के समय में चट्टाने जो है अमूमन खिसकते रहते हैं। तो पूरा अगर पुलिस और जो है नेशनल हाईवे के लोग अगर एहतियात बरतें तो जो है इन हादसों से टला जा सकता है। जिला किन्नौर में जिस तरह इसके बारे में ये है कि सारा का सारा दोष जो है इन परियोजनाओं को देना भी गलत है। आपका बरसेरी में कोई परियोजना नहीं है वहाँ पर, फिर भी इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो जो भी आज काम किया जाए चाहे सड़क निर्माण का है चाहे परियोजनाओं का है, हमें जो है वैज्ञानिक तरीके से इन कामों को अंजाम देने की जरूरत है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा शाम तक चला था और कल रात तक 10 डेड बॉडी रिकवर हुई थी और आज सुबह फिर से बहुत जल्दी हमने सुबह ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उसमें अभी 3 बॉडी और मिली है। कुल मिलाकर 13 बॉडी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। और इसके अतिरिक्त जो बस के वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है उसका मलबा तो मिल गया है और जो मालूम पड़ा है कि बस जो है वो सड़क पर नहीं है और सड़क के नीचे गिरी है उदाहरण में, और कहाँ जैसे उसकी लोकेशन है उसको थोड़ा सा लोकेट कर रहे क्योंकि शायद वो मिट्टी के नीचे गिरी जरूर बनी है। ऐसी सूरत में वो जो लोग बस में बैठे थे उनको रेस्क्यू के लिए टीम बहुत सुबह से चल पड़ी है। NDRF की टीम भी वहाँ पर मौजूद है, IDP की टीम है, CISF की है, पुलिस के हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और इस प्रकार से अभी तक 13 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, 13 लोग घायल हैं, कुल मिलाकर के अभी तक की स्थिति इस प्रकार से। अभी तक एक ही बात को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही नंबर की जो बस में थी, बाकी जो लोग दूसरी गाड़ी में थे वो उनको जिनको रेस्क्यू करना था वो रेस्क्यू हो चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी वहाँ पर मिली है वो भी मिल चुकी है, लेकिन बस में कितने लोग थे इसका सही हम
अंदाजा नहीं लग पा रहा है। जो ड्राइवर है वो भी कह रहे हैं कि 25-26 लोग ऐसे हो सकते हैं, और इस प्रकार से थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन अभी तक जारी है। और मैं सुनता हूँ कि आज दोपहर तक रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा काफ़ी हद तक पूर्ण हो जाएगा और उसका मालूम पड़ जाएगा कि टोटल नंबर क्या है। आप स्पॉट जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, और इंतजार कर रहे थे कि मौसम ठीक हो जाए, चौकसी वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। आर्मी ने भी ऑफर किया कि हम चौकर दे करके वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करेंगे। जब मौसम ठीक हुआ तो आर्मी के चौकर भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे नहीं, आर्मी की टीम भी लगे नहीं, और मैं भी वहाँ जाने की। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए भावानगर से रमन शर्मा।